बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस, जैसा हम जानते हैं कि रमज़ान शरीफ बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो ऐसी रेसिपीज़ को बहुत ही पसंद किया जाता है। तो चलिए आज आपके साथ बिल्कुल लो बजट में रोल की रेसिपी लेकर आएँ। इसके बनाने के लिए हम लेंगे धनिया पुदीना आधी गड्डी, इसके अलावा हम लेंगे एक अदद बंद गोभी, इसे भी हम बारीक काट लेंगे, 3 अदद गाजरें, 2 अदद अंडे और इसके अलावा 2 अदद प्याज। इसे चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच भर की ऑयल और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ही ज़ीरा। अब यहाँ पर जो हमने बारीक प्याज को काटा है वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसकी हम कुकिंग करेंगे, सिर्फ हल्की आंच पे, इसे बिल्कुल गुलाबी नहीं होने देना है, बस हल्का सा पकने देना है। जब ये हल्का सा पक जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने गाजर कद्दूकश की है वो यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे, और कद्दूकश गाजर को शामिल करके फिर इसे आपस में अच्छे से पकाएंगे। हल्की आंच पे इसे हम पकाएंगे बस 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट में जब ये पकेगी तो इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे कद्दूकश की गोभी और कटा हुआ धनिया, वो सब इसमें हम शामिल कर देंगे और फिर इन्हें आपस में अच्छे से पकाएंगे। इनकी मिक्सिंग भी अच्छे से करेंगे और यहाँ पर इसे लो फ्लेम पे ही तकरीबन 2 से 3 मिनट पकने देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच ही लाल मिर्च और 1 चम्मच इसमें हम काली मिर्च का शामिल कर देंगे, 2 चम्मच सोया सॉस इसमें हम शामिल करेंगे और 2 चम्मच ही चिली सॉस। अब सारे मसालों को शामिल करके फिर आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पर इसकी हम बस 2 से 3 मिनट और कुकिंग करेंगे तो हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। ना इसमें हमने पानी डालना है ना कुछ, और बस हल्की आंच पे से कुक करेंगे और ये फिलिंग बनकर रेडी हो जाएगी जी। तो गाइस, हमारी फिलिंग रेडी हुई, ये देखिए मज़ेदार सी फिलिंग बनकर हमारी तैयार हुई। अब इसमें हम 2 अदद अंडों को कद्दूकश करके शामिल कर देंगे। ये दो रोल की फिलिंग हमारी बनकर रेडी हुई। चलिए तो अब रोल बनाते हैं। हमने रोल पट्टी ली है, ये घर में भी बनाई जाती है पर हमने बाज़ार से ख़रीद कर इसके हम रोल बनाएंगे। इस तरह से हम इस फिलिंग को इस रोल पट्टी पे रख देंगे। और आटे की लई इस तरह से हम इसके चारों तरफ लगा देंगे, तो इसके कॉर्नर है उन पर इस तरह से लई लगाकर और उनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये तो देखिए इस तरह से हमारे ये रोल बनकर रेडी होंगे। ये देखिए थोड़ी सी फिलिंग से कितने सारे रोल बनकर हमारे तैयार हुए, और अभी भी हमारी आधी फिलिंग बची हुई है। इसके हम समोसे भी बना सकते हैं, वेजिटेबल समोसे भी पसंद किए जाते हैं। तो चलिए हम फ्राई कर लेते हैं रोल को जी। तो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन जब हमारे रोल हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी किस कदर मज़ेदार से रोल बनकर रेडी हुए हैं।